हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनसीडीएक्स बाजार में प्रमुख जिंसों के भाव 18 नवंबर 2020 को क्या देखने को रही है। मतलब दोस्तों, यहां पे सभी जिंसों में बात होने वाले हैं। कमोडिटी बाजार में क्या अभी तक तेजी चल रही है, क्या नॉर्मल चल रही थी, वो पूरी तरह से वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाई, यहाँ पर सभी जिंसों में बात होने वाली है कि कितनी मतलब यहाँ पर तेजी जा गई हुई है और इतने दिन मंडियाँ जैसे कि यहाँ पर कम्युनिटी जींस जो बंद थी यहाँ पर कितने अभी तक उछाल मिली चुकी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज के भाव क्या रहे हैं पूरे जींसों में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें सोयाबीन में, तो दोस्तों बाजार खुला 4550 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर 4550 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव की तो 4450 रुपये देखने को रहे हैं। और तेजी मंदी की बात करो तो यहाँ पर 45 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर सोयाबीन के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं पर चना के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला 5261 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 5266 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव के तो 5240 रुपये देखने को रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पर 16 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे चना के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में गवार सीड के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला 4085 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर 4120 रुपये। बात करें यहाँ पर न्यूनतम भाव के तो दोस्तों यहाँ पर 4060 रुपये देखने को रहे हैं। अगर यहाँ बात करते हैं तेजी मंदी के दोस्तों यहाँ पे 35 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे गवार सीड के बाजार भाव देखने को मिला है। आइए किसान भाई, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में धनिया के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला है यहाँ पे 6572 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला है 6590 रुपये। बात करें यहाँ पे न्यूनतम भाव को तो दोस्तों 6572 रुपये देखने को रहे। और तेजी मंदी की बात करो दोस्तों तो यहाँ पे 20 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे धनिया का बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं यहाँ पे सरसों के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला 6180 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों यहाँ पे 6180 रुपये। बात करें यहाँ पर न्यूनतम भाव को तो 6134 रुपये देखने को रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पे 28 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे सरसों का बाजार भाव देखने को मिले। आई किशन भाई, बात करते हैं नेक्स्ट में जीरा के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला 14270 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 14270 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव 14035 रुपये देखने को रहे हैं। और तेजी मंदी की बात करूँ तो यहाँ पर 180 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर जीरा के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं रिफाइंड तेल के बारे में, दोस्तों यहाँ पर रिफाइंड सोया तेल का बाजार खुला 1065 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 1066 रुपये। बात करें यहाँ पर न्यूनतम भाव के तो दोस्तों यहाँ पर 1056 रुपये देखने को रहे हैं। और तेजी मंदी की बात करूँ तो यहाँ पर 18 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव देखने को मिला है। दोस्तों कहीं ना कहीं तेजी भी बनी रही है और बहुत से मतलब जींसों में नरमी है जिसके मैं इसमें वीडियो में अपडेट नहीं किया हूँ। अरंडी के बाजार का भाव बात करें तो दोस्तों बाजार खुला 4658 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 4658 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव के तो 4650 रुपये देखने को रही है। बात करें यहाँ पर तेजी मंदी के तो दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर अरंडी के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं अपने नेक्स्ट में हल्दी के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पर 5700 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला 5768 रुपये। बात करें यहाँ पर न्यूनतम भाव को तो दोस्तों यहाँ पर 5700 रुपये देखने को रही है। और बात करें यहाँ पर तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पे 68 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे हल्दी के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं जौ के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पर 1422 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर 1422 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव के तो दोस्तों 1400 रुपये देखने को रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ पर तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पे 45 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे जौ के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं गवार गम के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला 6453 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 6460 रुपये। बात करें यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम भाव तो 6275 रुपये देखने को रहे हैं। बात करते हैं तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पे 40 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे गवार गम के बाजार भाव देखने को मिला है। किसान भाई, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव में, तो दोस्तों बाजार खुला 1385 रुपये में। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों यहाँ पे 1450 रुपये। बात करें यहाँ पर न्यूनतम भाव 1370 रुपये देखने को रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पे 35 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे मक्का के बाजार भाव देखने को मिल रहा है। किशन भाई, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में गोल्ड रेट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर गोल्ड रेट 49750 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिल रही थी। वहीं पर दोस्तों आज यहाँ पे 190 रुपये की तेजी भी देखने को मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात करें यहाँ पर 24 कैरेट की, तो दोस्तों यहाँ पर 50750 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिल रही थी दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर भी 190 रुपये की तेजी भी देखने को
मिले सोना में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा दोस्तों आज एनसीडीएस कमोडिटी बाजार के भाव, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाई तक जानकारी पहुँचे और जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा अनाज मंडियों की जानकारी आप लोग को जिन तरफ चाहिए तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके सारे मंडियों के भाव वहां पे जान सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।